ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्टिकल 13 के बारे में। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ वीडियोस पे, यूट्यूब पे इतना वीडियोस देख रहा हूँ कि यार आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपके वीडियो डिलीट हो जाएंगे और हो सके तो आपका यूट्यूब चैनल ही डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल 13 है क्या? आर्टिकल 13 से क्या आपको इफेक्ट पड़ने वाला है और ये कब तक अपने को लागू होगा? और मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, 15 दिसंबर के बाद आपका यूट्यूब बंद हो जाएगा। भाई ये कौन सी बात हो गई, एकदम से अचानक से झटका लग गया अपने को। तो दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, मैं आपको इसी बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे ये आर्टिकल 13 हम पे इफेक्ट कर सकता है और क्या है आर्टिकल 13, इस चीज़ की पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा और एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आई आपको बातें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गवाए हुए। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आर्टिकल 13 के बारे में। एक्चुअली आर्टिकल 13 है क्या आखिरकार? आर्टिकल 13 अभी जो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जो अभी दिमाग पे, सर पे बैठा हुआ है कल तक टेंशन लेके कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आपके वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये आर्टिकल 13 एक्चुअली यूरोप में वहाँ पे लागू किया गया है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत, यानी कि इसमें होता क्या है कि अगर आप जो भी वीडियो बनाते हो, आपका जो भी कंटेंट है उसके अंदर आप किसी भी कंपनी का या कोई भी चीज़ का आप कॉपीराइटेड, यानी कि ये मेरा बंदा, मेरे बगल में जो बंदा है उसका कोई भी चीज़, उससे बिना बताए हुए मैं अगर उसकी चीज़ यूज़ करता हूँ तो भाई वो मेरे पे सीधी सी चोरी का जो आरोप लगाएगा ही। तो बस आर्टिकल 13 भी यही है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का, यानी किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का अगर आप कोई भी चीज़ उपयोग करते हो, जैसे इमेज हुआ, छोटी सी वीडियो क्लिप हुई या फिर कोई साउंड क्लिप हुआ, तो दोस्तों आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। और आपके ऊपर नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा कॉपीराइट स्ट्राइक सीधे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आप मैं सब लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर स्ट्राइक आएगी कि आपके बंदे ने ये कंटेंट अपलोड किया है, हमारा ये चीज़ लगाया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मैं आपको, मेरे नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, अगर मैं उन, अगर वो कोई बंदा सामने वाले किसी कंपनी का कोई चीज़ उठा कर ले आता है और मुझे बताता नहीं है, सामने वाली कंपनी बोलती है कि भाई तूने मेरी ये चीज़ चोरी की है, तो सीधी सी बात है कि मैं सर्च करूँगा कि मेरे कौन से बंदे ने ये चीज़ चोरी की है। तो दोस्तों मैं उस बंदे को वहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, या तो फिर उस बंदे को बोलूँगा कि बस दोबारा से मत करना और उसकी, उसने जो जो चीज़ चोरी की है वापस उसको दे दूँगा, यानी कि उसकी वीडियोज़ हटा दूँगा। इस तरह का ये आर्टिकल 13 है। तो दोस्तों इसमें यूरोप की जो बहुत सारी कंपनियां, जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स है या फिर सोशल मीडिया में जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हमारे कंटेंट है, जो हमारे इमेजेस है, वीडियोस है, क्लिप्स है, साउंड क्लिप्स है, वो सारे यूज़ होते हैं, तो हम उन कंपनियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से उन सारी कंपनियों ने मिल के यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। तो दोस्तों अब यूट्यूब, सीधी सी बात है, अब यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबको एक प्रकार से काम करने का मौका दिया है जिसपे हम अर्निंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यूट्यूब भी सीधी सी बात है कि वो अपने ऊपर तो पूरा इल्ज़ाम लेगा नहीं, तो इसलिए यूट्यूब क्या करेगा कि आपके सारे वीडियो, जो भी कॉपीराइट कंटेंट है, वो सारे वीडियो हटा देगा, या तो फिर ज़्यादा कॉपीराइट कंटेंट होंगे तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों ये था कहना बाकी यूट्यूबर्स का, ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरोप में अभी जो ये कानून लागू किया गया है, तो दोस्तों इसके अंदर अभी ये पहला ही वोटिंग था जो अभी पूरा हुआ है, इसके बाद अभी दोबारा वोटिंग होगा। अगर उसके अंदर भी जो वोट में जिनका जो ब्रांड है वो लोग अगर जीतते हैं, तो शायद हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है और यूट्यूब का जो करियर है वो पूरा ख़त्म भी हो सकता है या फिर खतरे में भी पड़ सकता है। जितना हम पहले अर्न करते थे या आज अन कर रहे हैं, तो हमें शायद कुछ दिनों बाद तकलीफ़ में पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 दिसंबर तक का, मैंने सुना है कि काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर तक ये आपका यूट्यूब है वो बंद हो जाएगा या 15 दिसंबर को फैसला आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून अगर लागू भी होता है तो इसको कम से कम 2 साल लगेंगे लागू होने में। ओके दोस्तों, अब यूट्यूब के ऊपर एक चैलेंज आ गया है कि अब ये यूट्यूब करे क्या, कि अब इस तरह का कंटेंट है जो काफ़ी सारे बंदे यूज़ कर रहे हैं, तो अब यूट्यूब करेगा क्या? या तो फिर यूट्यूब एक फ़िल्टर लगाएगा
जो सभी वीडियोस को चेक करे, क्योंकि यार इंडिविजुअल चेक करना तो यार किसी के बस की बात नहीं है। कितने, अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि इस पे करोड़ों, करोड़ तो नहीं बोल सकता, लेकिन लाखों चैनल ऐसे हो, लाखों चैनल बन गए हैं जो हर एक कंटेंट से रिलेटेड है, फूड से हुआ, टेक से हुआ, काफ़ी सारे चैनल्स तैयार हो गए हैं। तो यार वो एक एक करके चैनल का वीडियो चेक करेगा तो फिर तो भाई हो गई बात उनकी। अब दोस्तों मैं बताऊँ कि कॉपीराइट कंटेंट्स है कौन कौन सी चीज़ें। जैसे कि किसी ब्रांड का आप कोई इमेज यूज़ करते हो, या फिर किसी का वीडियो क्लिप यूज़ कर लेते हो, या फिर किसी का ऑडियो क्लिप यूज़ कर लेते हो, तो दोस्तों ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको अपना कंटेंट पूरे अपनी आवाज़ में आपको सामने रह के सब चीज़ बताना है, तो शायद हमें ये कोई इफेक्ट ना करे, क्योंकि YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पॉसिबल तो नहीं है कि ये बंद होगा। नहीं तो अगर ऐसा हो, क्योंकि हम सारे यूट्यूबर्स ने, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, सभी ने कॉपीराइट कंटेंट कुछ ना कुछ चीज़ तो यूज की हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये सही बात है कि आर्टिकल 13 इंडिया में भी बहुत जल्द आ जाएगा, और आ जाने के बाद तो भाई परेशानी परेशानी होगी। तो दोस्तों ये तो था यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब अब क्या करने वाला है, यूट्यूब के ऊपर जब कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो यूट्यूब कौन से एक्शंस लेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि यार सीधी सी बात है, मेरे पे कोई चीज़ इल्ज़ाम आएगा, मेरे नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने वो कुछ गलत काम किया होगा, या फिर गलत काम तो नहीं, मतलब यानी कि उन लोगों ने कुछ किया होगा, तो सीधी बात है मैं अपने सर पे तो लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगा और इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो सेम यूट्यूब भी यही करने वाला है। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। अरे भैया बंद होगा तो सबका चैनल बंद होगा, क्योंकि आप या मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कि कॉपीराइट चीज़ें यूज की होगी। कोई ना कोई कॉपीराइट, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कॉपीराइट चीज़ें अपने ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई इमेजेस को लेके इतना इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो कंपनियाँ जो ब्रांड है वो इश्यू उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चैनल बंद होगा तो सबका चैनल बंद होगा अब से। लेकिन यूट्यूब शायद ऐसा कोई फिल्टर ला देगा कि हमारे कोई भी कॉपीराइट कंटेंट अपलोड होंगे ही नहीं, या फिर अपलोड होने से पहले हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसमें कॉपीराइट चीज़ें रखी हुई है। तो ये तो थी मेरी तरफ से जानकारी, और बहुत अच्छी बात मैं बता दूं कि आपको पूरी डिटेल्स, पूरी अच्छी तरह डीप में जानकारी चाहिए, मैं आपको शायद नहीं समझा पाया, अगर कुछ समझा पाया या कहीं भूल हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। और अपने कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सबसे अच्छी, मैं सही बोलूँ तो मैं फॉलो करता हूँ धर्मेंद्र जी को, जो यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सारी चीज़ें हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 13 के बारे में पूरा बताया है। मैं तो अपनी तरह से, मेरे को जितना जो और भी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे मैंने, कहीं मैंने पढ़ा है, तो उस हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन दिया, और धर्मेंद्र जी का जो ओपिनियन था उसको सब मिक्स करके मैंने आपको बताया है। ओके दोस्तों, अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह समझना हो, शायद मेरी वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको अच्छी तरह समझना हो तो दोस्तों धर्मेंद्र जी का वीडियो देखिए माई स्मार्ट सपोर्ट का, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में भी आ जाएगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका चैनल डिलीट नहीं होने वाला दोस्तों, इसका टेंशन दिमाग से उतार दीजिए। डेली कंटेंट अपलोड कीजिए, डेली वीडियो बनाइए, डेली अपलोड कीजिए, और हौसला बुलंद रखें। अगर डिलीट होगा तो दोस्तों सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन तो कुछ बना मत भूलना, नहीं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।